अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुन रहे हैं तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो आरु और शनाया ये लोग पहुंच जाते हैं ऋषिकेश, और फिर जो इनके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, फिर ये पहले रेस्ट करते हैं, फिर ये बहुत ज़्यादा ये लोग इन्जॉय करते हैं। ये लोग नीरगर जो वाटरफॉल है वहाँ पे जाते हैं, इन्जॉय करते हैं। जो हमारी आरू है उसे ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होती, वो तो बस अपनी कैमरा से नेचर की खूबसूरती को अपने कैमरा में ढल रही थी। वो अपनी कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर रही थी इधर उधर। फिर जब लोग शाम होने ही वाले थे कि सब लोग वापस आ जाते हैं आके फ्रेश होके खाना खाके, वो लोग जो होटल की पीछे की एरिया पे वहाँ पे सर्कल बनाते हैं, और मीट में जो बोन फायर की वो इंतज़ाम किया जाता है। फिर लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। जब बारी आरू की तरफ आती है तो उसे कहा जाता है क्या वो उसकी लाइफ में कोई है, जिसे आरू एकदम से बोलते नहीं उसकी लव शप में नहीं पढ़ना चाहती थी। फिर वहाँ से एक लड़का आता है जो उसके ही क्लासमेट होते हैं, और बोलते हैं क्या मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? तो पहले तो वो घूर के दिखती है, फिर वो लड़का बोलते हैं घबराइए मत, मैं मुझे भाई ही समझिए अपना, और मैं हाथ पढ़ना मुझे हाथ पढ़ना आता है, तो क्या मैं आपका हाथ पढ़ सकती हूँ? फिर जब शनाया है वो थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है आरू के बारे में, फिर वो खुद ही आरू की हाथ उसको देख के बोलते हैं हाँ हाँ बताओ बताओ। तो जब वो लड़का आरू का हाथ देखता है तो बोलते हैं हाँ आपका लव लाइफ है और बहुत यूनिक है, और बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो जिससे हमारी आरू एकदम से बोलते हैं ये सब बकवास है, मुझे इन सब में यकीन नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सब तो इन्जॉयमेंट करते हैं, फिर जो होती है रात हो जाती है, कुछ लोग ड्रिंक्स भी करते हैं। जो आरू है वो भी थोड़ी बहुत करती है ड्रिंक्स, और वो स्मोक भी करती है, स्मोकिंग भी करती है। तो शनाया एकदम सुनती है यार तुझे पता है तेरी दादी को अगर पता चलेगी ना कि तू मेरे सामने ही बैठ के ये सब कर रही है तो पता नहीं वो मुझे क्या करेगी। तू ये सब मत करना, ये सब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो बोलती है यार कुछ नहीं होगा, और दादी को मत बताइयो प्लीज़, हर बार तो तू बोल देती है ये सब कुछ मत बताना प्लीज़, रिक्वेस्ट है तुझे। तू तो यार तुझे पता है ना अगर तू ड्रिंक करती है तो सुबह तुझे बहुत हेडेक होती है, और बहुत गंदी वाली होती है कि तुझे ठीक होने में 2-3 घंटे लग जाता है। वो बोलते हाँ पता है, कोई ना अब यहाँ आए हैं इंजॉय करने तो इंजॉय करेंगे ना। बोलते यार इंजॉय करने आए हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू ड्रिंक्स करेगी और स्मोकिंग करेगी। चलो ठीक है स्मोकिंग से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन तू इतना सारा ड्रिंक काय को करती है ये बता। तो बोलती पता नहीं अच्छी लगती है इसलिए। बोलते यार ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो बोलते शानू चुप रह जाना, माँ बनने की कोशिश मत कर, नहीं है वो मेरी ज़िंदगी में। तो शनाया एकदम चुप हो जाती है, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो जब आरू देखती है कि उसकी फेस लटक गई है तो बोलती है अच्छा आई एम सॉरी, तू अपना मूड ख़राब मत कर मेरी वजह से, चल मैं अपने रूम में जाती हूँ, तू इंजॉय कर यहाँ। तो शना एकदम उसे यार मैं तेरे साथ आई हूँ, तू नहीं तो मैं नहीं, काय का इंजॉयमेंट, चल हम रूम में जाते हैं। तो फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अवनीत और समीर ये तो अपने आप में ही अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ पे और भी सारे लोग थे उनके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। रात होती है, सब लोग आते हैं। जो आरू है वो तो ड्रिंक की थी, ज़्यादा ही की थी, इसलिए वो
उसकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ तो जाती है, लेकिन शनाया उसे बहुत संभालती है और फिर वो उसे सुलाती है, उसकी ओर चादर उठती है और फिर वो एक साइड पे सो जाती है। और मन में सोच रही है, हे भगवान, कब इसकी लाइफ में कोई आएगा। मेरी दोस्त की ज़िंदगी सुधार दीजिए प्लीज़, इसकी लाइफ में कोई ला दीजिए। मैं इसे हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। मुझे याद है पहली बार जब इसने दिल खोल के हंसी थी, आज से कई 10 साल पहले। अब तो ये मुस्कुराना भी भूल गई। हाँ, मुस्कुराती है, लेकिन वो अंदर से नहीं, बस बनावट सी मुस्कुराहट जो इसे बिल्कुल सूट नहीं करती। पता नहीं कब वो दिन आएगी जब मैं इसको मुस्कुराते हुए देखूँगी। फिर वो उसकी जो सर को सहलाती है और उसके फोरहेड पे किस करके वो भी सो जाती है। फिर अगले दिन अगली मॉर्निंग होती है। अगली मॉर्निंग में ये लोग जो है सारे दोस्त मिलके आरू की रूम के बाहर आते हैं। डोर नॉक करते हैं तो शनाया जो उठती है वो बाहर जाती है। बोलती क्या है? बोलता है, यार घूमने जाना है, तुम लोग तो अभी नहीं उठे। तो शनाया एकदम से बोलती है कि तुम लोग जाओ, आरू की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं इसके साथ रहूँगी। तो बोलती यार हम लोग घूमने आए हैं। तो बोलते हाँ पता है, तुम लोग जाओ ना, और हाँ जल्दी आ जाना क्योंकि हम यहाँ से जो है गंगा घाट जाएंगे, तो तुम्हें तो पता है ना वहाँ कितनी दूर है, और आज ही निकल जाएंगे। शाम को अगर निकलेंगे तो वहाँ पे, और वहाँ से तो 5-6 बजे तक ही आरती होती है, हमें लेट नहीं होना है। फिर वहाँ पे जाएंगे, आरती लेंगे, वहाँ पे थोड़ी घूमेंगे, फिर रात को वहीं से ही हम निकल जाएंगे। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, तो हम लोग आते हैं, तुम रहो। श्योर तुम नहीं जाओगे? बोलो हाँ मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाओ। फिर वो आती है और जो है रूम सर्विस को कॉल करती है और नींबू पानी और दवाई जो हेडेक की दवाई वो लिया जाता है। और जो हमारी आरू वो तो एकदम सो के टुल हुए होते हैं। फिर वो एक घंटे बाद उठती है अपने सर पे हाथ रख के, और उसे ये हमेशा की तरह ही जो शनाया को पता होता है कि ये जब भी ड्रिंक करती है तो सुबह जब उठती है तो सर में इसकी बहुत ज़्यादा पेन होती है। नॉर्मल होती है लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही होती है। तो बोलते हैं हाँ उठ गई, अब तू रोएगी, मेरे सर पे दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो बोलती है यार मैं रो नहीं रही, हाँ ठीक है सर में दर्द है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे तू कहीं नहीं गई क्यों? तो बोलते पागल है, मैं तुझे छोड़ के कहीं जाऊँगी? तेरा दिमाग ठीक है ना? तेरे साथ आई हूँ, तेरे साथ ही रहूँगी। बोलते अजीब बात है यार, तू पीछा छोड़ दे मुझे, मेरे साथ ऐसे चिपकी मत रहा कर, तेरी भी लाइफ है यार, इंजॉय कर। बोलते तू है ना मेरी लाइफ, वही तो इनफ है मेरे लिए, वही बस है यार। तो बोलती यार ठीक है चल, मैं कुछ नहीं बोलती, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर तू गुस्सा हो जाएगी मुझ पे। तो बोलते हाँ यही ठीक है, तू कुछ मत ही बोल, अब चल ये दवाई ले। तो फिर वो पहले नींबू पानी देती है, फिर वो दवाई लेते हैं। फिर जो है आरू जाती है वॉशरूम और जाके फ्रेश होके आती है, बोलती है चल बाहर चलते हैं। बोलते कहाँ बाहर? बोलते बाहर मतलब होटल से बाहर जाते हैं या कि नज़ारा देखते हैं, चला जा। तो ये लोग थोड़ी सी बाहर जाते हैं और बैठती है एक जगह, कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे थे, तभी उसके फ़ोन पे उसकी दादू की कॉल आती है। जब वो फ़ोन देखती है तो देखती है पहले से ही बहुत सारे कॉल आए थे, तभी वो कॉल रिसीव करके बोलती है हाँ जी गुड मॉर्निंग जान। तो फ़ोन की उधर से बोलती है तुमने फिर ड्रिंक की? तभी जो है आरू एकदम से शनाया की तरफ देखती है, घूर के शनाया बोले ये कैसी लुक दे रही है तू, मैंने कुछ नहीं बोला, तू ऐसे क्यों देख रही है? तो उसकी दादू बोलती है तुम्हारी वॉइस ही बोल रही है, सर दर्द है ना तुम्हें? तो वो चुप हो जाती है। तो बोलती है आरवी
कितनी बार बोली तुमको कि तुम ये सब मत करो, तो वो बोलती है अरे दादी थोड़ी सी पी थी, इसमें क्या बात है, आप बताओ आपकी तबीयत ठीक है, आपने खाना खाया मेडिसिन ली? बोलते हैं हाँ हाँ सब ली, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, कब समझोगे तुम मेरी बात? तो बोलती है दादी छोड़ो ना, ठीक हूँ मैं। तो फिर उसकी दादी बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम गंगा घाट जाओगी आज? तो आरू का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाती है, क्योंकि पिछले बार वो अपनी मॉम के साथ गई थी, तो वो थोड़ी लो वॉइस में बोलते बोलते हाँ जाऊंगी। तो बोलते क्या हुआ, मॉम की याद आ रही है? तो बोलते हाँ आ तो रही है, पर क्या कर सकते हैं। तो बोलते बेटा ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज चले जाओ, शनाया है ना साथ में? तो बोलते हाँ आप होती तो अच्छी होते। तो बोलते हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम हम दोनों जाएंगे। तो बोलते पक्का? बोलते हाँ। अरवी सुनो। हाँ दादी बोलिए। तुम्हारा डैड का कॉल आया था? तो चुप हो जाती है। तो बोलती है हाँ तो मैं क्या करूं? तो बोलते वो बात करना चाहते हैं तुमसे। तो वो अरबी बोलती है मैं नहीं चाहती उनसे कोई भी बात करना, वो अगर बात करे तो आप बात करो उनसे, लेकिन मुझे मत बोलिए कि मैं उनसे बात करूँ प्लीज़। तो जो है उसकी दादी बोलती है कब तक तुम ऐसे करोगी, बाप है तुम्हारा? तो वो बोलते मैं नहीं मानता ना, बाप है मेरा, आपका बेटा है, आपसे बात करे, मैं नहीं मानता उनको बाप, मुझसे बात ना ही करे तो अच्छा है। तो उसकी दादी बोलती है एक बार तो कर लो मेरे लिए प्लीज़, प्लीज़ ना एक बार कर लो मेरे लिए। तो बोलते हाँ दीजिए। तो बोलते दीजिए तुम्हें कैसे पता? तो बोलते हाँ ये तो आप तभी बोलते हो जब वो घर आते हैं। तो उधर से एक आवाज़ आती है कैसे हो बेटा? तो आरबी पहले चुप रहती है, फिर बोलती है जैसे आपने रखा हमेशा की तरह वैसे ही हूँ। तो उसके जो डैड है वो बोलते हैं कम से कम आज तो ठीक से बात करो उससे। तो वो बोलती है क्यों आज ऐसा क्या है? तो वो बोलते हैं तुम अच्छे से जानते हो आज क्या है। तो वो एकदम से जो है बोलते हैं मिस्टर अविनाश राठौर आप अपना जन्मदिन खुद मनाइए, मुझे आपसे कोई नाता नहीं है, जैसे मनाना हो ना आपका जन्मदिन आप मनाइए, मुझे ना आपसे कोई नाता है और ना ही आपके जन्मदिन से, और मुझसे जितना दूर रह सकते हो आप उतना ही दूर रहो, यही आपके लिए अच्छी है। तभी जो है वो उसका डैड उसे बोलते कब तक तुम ऐसे रहोगी? तो बोलते कब तक क्या, मैं ठीक ही तो हूँ, आप अपना देखियो सर, हम अपने जैसे ठीक है। तभी वो कॉल कट कर देते। तो शनाया एकदम से बोलती क्या है यार, आज अंकल का बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो ठीक से बात कर लेते। तो वो एकदम से बोलते नहीं करना, मुझे नहीं करना उस इंसान से बात जिसके वजह से आज मैं अपनी मॉम के साथ नहीं हूँ, जो आज मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो इंसान जो हमेशा से ही पैसों के पीछे भागता रहा, तो रहे अपने पैसों के साथ, मैं अपने में ठीक हूँ, मुझे ना ही उनसे कोई मतलब है और ना ही उनके पैसे से। शनाया भी जानती है कि वो अपनी डेट से, जो आरू है वो अपनी डेट से कुछ खफा है, तो वो इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उसको आरू का मूड स्पॉइल नहीं करना था, तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर ये लोग और बातें करते करते एक शाम हो जाते हैं, शाम मीन्स दोपहर के थोड़ा बाद हो जाता है।
दो तीन तो बज ही जाते हैं, तभी सब लोग आते हैं और बोलते हैं यार तुम लोग रेडी नहीं हुए, चलो हम निकलते हैं गंगा घाट की तरफ, जाने में तो लेट होगा ना। तो बोलते हैं हाँ हाँ तो सब लोग होटल से चेकआउट करते हैं और निकल जाते हैं गंगा घाट के लिए। तो वहाँ से फिर लोग वहाँ से निकलते हैं, जो वहाँ से जहाँ पे आरती होती है वहाँ से जाते से करीब 1.5 घंटे या 2 घंटे लगते हैं। फिर ये लोग वहाँ पे जाते हैं, जाते जाते इनका 5-10 हो चुके थे। तब तक जो है वहाँ का जो नज़ारा है वो भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारा है। जो लोग वहाँ के हो वो लोग जानते हो कि कैसा नज़ारा होता है जब गंगा आरती होती है सुबह और शाम की। ये लोग शाम की आरती के लिए गए थे, तो जब वहाँ का सारे लोग वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे कई और लोग थे जो कभी नहीं गए थे उस जगह पे, तो वो लोग तो बोलते यार क्या प्लेस है यार, बहुत खूबसूरत जगह है, ये आरती कब शुरू होगी। तो वहाँ पे एक पुजारी थे, बोलते हैं हाँ कुछ देर बाद ही आरती शुरू होगी। जो शनाया है वो देखती है कि आरू एक साइड पे जाके कुछ देख रही थी, तो वो उसके पास जाते, तो बोलते क्या देख रही है। बोलते हैं कुछ नहीं, इस प्लेस पे आई थी ना मॉम के साथ, तो बोलते हाँ ठीक है। तो जो है वो घाट की थोड़ी साइड पे उतरती है, वहाँ पे एक साइड बैठती है और अपनी मॉम के बारे में सोचती है। तभी जो है कुछ लोग वहाँ पे घाट पे इस शाम के पता नहीं क्या कर रहे थे, घाट में उतर के फिर एकदम से जो है अचानक जो शनाया है वो पीछे उसे अपनी बुला लेता है कुछ काम के लिए, तो उधर चली जाती है। जो आरवी है वो उस पानी को बस देख रही थी और अपने मामू के बारे में सोच रही थी। तभी जो है उसको एक अजीब सी भीगी भीगी जो एक खुशबू आती है उसको, वो खुशबू को महसूस करती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी जो है उसकी नज़र एक कॉर्नर साइड पे जाती है जहाँ पे कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ कह सकते हैं, कुछ 4-5 लड़कियाँ एक साथ खड़े होकर वो मजाक मस्ती कर रहे थे। कुछ एक दूसरे का बाल खींच रहे हैं जो मस्ती मस्ती में करते हो। तभी उसे आरू की कान पे एक आवाज़ आती है, मत कर यार, और यार तुम लोग यहाँ आरती करने आए हो कि मस्ती करने आए हो। जो आरू की जो कान में जो वॉइस जाती है वो इतनी मिठास भरी वॉइस थी कि वो खड़ी होती है और उस वहाँ पे जाने लगते हैं। पता नहीं उसे क्या होता है, उसकी मन में क्या चल रहा है, तो बस वहाँ जाती है। और तभी जो है वहाँ से वो लड़की, कुछ लड़की बोलती है अरे तू तो बहुत शरीफ बन रही है इधर आ। तो वो लोग ऐसे मस्ती मस्ती में जो है एकदम से एक लड़की को थोड़ा सा पुश कर देती है, जिससे वो लड़की एकदम से जो है पानी में गिरने ही वाली थी कि तभी जो है आरू एकदम से आके उसको पकड़ लेती है, उसके हाथ पकड़ती है, उसकी अपनी तरफ खींचती है। लेकिन उस जो खींचती है उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसके वजह से खींचने के बाद वो जो खुद नीचे गिर जाती है और वो जिसको बचाई थी वो उसकी ऊपर आ जाती है। जब वो गिरती है आरू पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता नहीं कहाँ गिरती है। वो एकदम से जो है उस मोमेंट में आंखें बंद हो जाती है। जब वो आंखें खुलती है तो उसके सामने एक बहुत सी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक लड़की उसके ऊपर गिरी हुई थी, और जो आरू का हाथ है उसको जो है पीछे से ग्रैब करके रखे थे क्योंकि जब वो गिरी थी तो अपने आप ही चले गए थे प्रोटेक्टिव।
साइड से। तो जब वो देखते हैं कि वो लड़की जो है उसकी कुछ बाल उसके आरू के फेस पे आती, तो आरू एकदम से बाल हटाती है और देखती कि एक लड़की जो उसके जो ग्लास थे वो चश्मा पहनी हुई थी, तो वो एकटक बस उस लड़की की तरफ देखती है। वो लड़की हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी माथे पे एक छोटा सा बिंदी थी ब्लैक कलर की, और आरू एकदम पॉज हो जाती है उस लड़की को देख के। तभी वहाँ से दो लड़की आती है, बोलते क्या है यार तू खुद को संभाल नहीं पाती क्या, अभी तो गिर जाती अगर ये नहीं बचाती तो, उठ। तभी जो है वो लड़की एकदम से आंखें खोलती है, और जब वो आंखें खोलती है तो उसकी जो है आरू से आई कांटेक्ट होती है। तो वो लड़की थोड़ी देर उसकी आंखों में खो जाती है, क्योंकि आरू की आंखें भाई गजब की थी। तो फिर जो लड़कियों है वो लड़कियाँ बोलती है अरे उठ जल्दी, आरती शुरू हो गई है जल्दी उठ। तो वो एकदम से उठती है, लेकिन उसकी जो बाल है वो हमारी आरू की जो गले पे एक लॉकेट थी उस लॉकेट पे अटक जाती है। तो जो आरू है वो उसे वो जो लड़की है वो उस लॉकेट से बाल को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी अपने, लेकिन उसे नहीं हो रही थी। तो एकदम से जो हो वो खींच लेती है, जब वो खींचती है तो जो आरू का लॉकेट है वो उसके बालों में फंस जाते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देती, उसे लगता है कि छूट गई यही बड़ी बात है। वो उठ के चली जाती है, आरू बस देखती रहती है उस लड़की को, इतनी खूबसूरत लड़की शायद उसने आज तक नहीं देखी होगी। वो एक बहुत सी प्यारी सी एक ड्रेस पे थी जो रेड कलर की थी, लड़की ने पहनी थी। तो आरू उठ के बैठती है, शनाया एकदम से आती, बोलते आरू क्या हुआ तू ठीक है, लेकिन आरू का ध्यान ही नहीं था, वो बस उस लड़की की तरफ जाते हुए देखती है, बस देखती रहती है। तभी जो है शनाया उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है आरू क्या हुआ ठीक है ना तू। तभी आरू अपने होश में तुलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तू तो गिरी कैसे, तेरी ये टी शर्ट पे देख कितने डस्ट लगे। बोलते यार पता नहीं कैसे गिरे। तो साफ करती है और एक टक बस उस लड़की की तरफ देख रही थी। तभी जो है जो शनाया बोलती तेरा लॉकेट कहाँ है। तो आरू एकदम से अपने गले पे देखती कि हाँ उसके लॉकेट नहीं है। तो वो पैनिक हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, क्योंकि वो लॉकेट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, उसकी मॉम की लॉकेट है जहाँ पे उसकी और उसकी मॉम की पिक लगी हुई थी। तो वो पैनिक हो जाती है, वो ढूंढने लगता है, शनाया भी ढूंढने लगता है, और इधर उन दोनों का जो आरती है यार वो तो शुरू हो गए थे, तो ये लोग तो लॉकेट ढूंढने में ही थी। तभी वहाँ जो वो लड़की जो थी वो लड़की अपने दोस्तों के साथ आ रही थी कि वहाँ जाते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की बोलती है ईशा तेरे बालों पे ये क्या लगा है। तो वो बोलते कहाँ, तो बोलती ये देख। तो जब वो लड़की जो ईशा है वो अपने बाल में देखती है तो एक चेन थी, तो वो हाथ में लेती है छुराती है बालों से, बोलती यार ये किसका है। तभी वो खुलती है वो लॉकेट को, वो पीक देखती है, तो वो बोलती है ये कहाँ से आया। तभी वो अरे कुछ देर पहले तो वो उस मोमेंट को याद करती है और पीछे मुड़ते, लेकिन जो शनाया और आरू है वो लोग तो लॉकेट ढूंढ रहे थे और इधर उधर से ढूंढ रहे थे। तो वो लड़की जब पीछे मुड़ती तो उन दोनों को नहीं, वो आरू को नहीं देख पाती है। तो बोलती यार उसकी लॉकेट है। तो बोलते हाँ तो दे देना पहले आरती तो ख़त्म होने दे। तो बोलती यार अगर ना मिले तो, बोले ज़रूर मिलेगी तू पहले आरती ख़त्म कर। तभी जो है वो आरती ख़त्म करता है और उधर जो है
शनाया बोलती, यार ठीक है पहले आरती ले लेते हैं, बाद में ढूंढेंगे। तो फिर सब लोग वहाँ पे आरती लेते हैं, आरती हो जाती है एक वक्त, तभी जो है आरू वो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम की लॉकेट है, आज तक उसने अपने गले से कभी नहीं निकाली उस लॉकेट को। तो वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं, नहीं मिलती है तभी। और उधर जो वो ईशा है, वो अपने दोस्तों के साथ बोलती है, यार ये जिसकी अमानत है उसे देना होगा। पता नहीं ये साथ में लगता है कोई फैमिली मेम्बर की पिक के साथ लॉकेट एडजस्ट किए गए हैं, बोलते हैं हाँ हाँ चल चल उधर चलते हैं। तो जो शनाया और आरू है, वो तो लॉकेट ढूंढने में ही व्यस्त थे। तो जो वो उन लोगों का सारे दोस्त आते हैं, बोलते क्या हुआ, तो बोलते यार इसके लॉकेट नहीं मिलते। तो सारे मिल के अब उसके लॉकेट ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ से एकदम से जो है वो ईशा वो आती है, वो आके बोलती है, देखती है कि ये लोग कुछ ढूंढ रहे, तो वो समझ जाते हैं कि शायद यही ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी जो बोलती वो जाती है आरू की उस साइड पे और बोलती है सुनिए। तो आरू तो अपनी लॉकेट ढूंढने में ज़्यादा ही माहिर थी कि उसे आगे पीछे कुछ नहीं देखती है। तो वो लड़की उसकी शोल्डर पे टैप करती है, बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, हेलो सुनिए। तो जब आरू को एहसास होता है कि कोई उसे बुला रही है, तो वो पीछे मुड़ती है। जब पीछे मुड़ती है तो वो फिर देखती कि वही लड़की है। तो बोलती है हाँ हाँ जी बोलिए। वो फिर बोलती है अपना हाथ दीजिए। तो आरू एकदम शॉक हो जाती कि क्यों मेरा हाथ क्यों चाहिए आपको। तो वो लड़की एकदम से मुस्कुरा के बोलती है घबराइए मत, शादी के लिए नहीं मांग रही हूँ, ना हाथ तो दीजिए। तभी जो है शनाया तो वहाँ पे खड़ी थी, वो देख रही थी कि भाई ये कौन है। और आरू जो है जब वो थोड़ा सा मुस्कुराई वो लड़की, वो तो भाई उसकी मुस्कुराहट पे फ्लैट हो गई। वो बस उसकी तरफ देखने लगती, उसकी आँखों में उसकी नज़रें इधर उधर नहीं होती, सीधा उस लड़की की आँखों में जाके टिकती है। शनाया ये नोट कर लेते हैं, क्योंकि भाई बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, ये दोनों साथ में बड़े हुए हैं, तो अपनी दोस्त की हर हरकतों से वाकिफ है वो। तो वो बस देखती है इन दोनों को और चुपके से एक पिक ले लेती है, क्योंकि जो आरू है वो एक टक बस उसकी आंखों में देख रही थी। तभी वो लड़की फिर से बोलती है अपना हाथ दीजिए। तो वो हाथ देती है, तो उसके हाथ में वो लॉकेट देख के वो मुट्ठी बंद कर लेती है और बोलती है ये लीजिए आपका अमानत, और हाँ थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए, और सॉरी भी क्योंकि मेरी वजह से आप भी गिर गए बचाने के चक्कर में। तभी तभी जो है वो लड़की की कुछ दोस्त एकदम से बोलती है अरे जल्दी आ जा यार, हमें लेट हो रही है, दिल्ली पहुंचने में लेट हो जाएगी, तू जल्दी आ जा, और आंटी अंकल भी वेट कर रही है, जल्दी आ तू। तभी वो वहाँ से जा रही थी, तभी आरू बोलती है सुनिए आपका नाम जान सकते हैं क्या। तो वो लड़की बोलती है क्यों मेरे नाम से आपको क्या काम। तो बोलती नहीं ऐसे ही। तो बोलती है नहीं नाम नहीं जान सकते, फिर मुलाकात होगी तो बोल दूँगी मेरे नाम, अभी तो अजनबी ही समझो। ये बोल के वो लड़की चले जाते। वो लड़की जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसके घने लंबे बाल स्ट्रेट बाल थे, वो ग्लास पहनती है, आँखों में चश्मिश होती है, वाइट स्किन ग्लो फेस एकदम। और जब आरती हो रही थी तो उस रोशनी में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तो ये थी ईशा, ईशा त्रिवेदी, जो अपनी मॉम डैड की दूसरी संतान थी, उसकी एक बहन है
उसके छोटा। तो आरू तो बस उसको जाते हुए देखते हैं, शनाया बोलते चली गई है, अब क्या देख रही है, तेरे हाथ में क्या देखे गई हो। तो बोलते यार पता नहीं, बोलते देख ले। तभी वो जो हाथ का मुट्ठी खोलती है तो देखती कि लॉकेट है। तो बोलते आए है, चलो अच्छी बात है, मिल तो गई, वरना हम तो आज यहीं पे रुक जाते, क्योंकि मुझे तो पता है तू इस लॉकेट के बिना यहाँ से जाती नहीं। तो आरू तो बस उस तरफ देख रही थी जिस तरफ से वो लड़की चली गई है। तो शनाया एकदम उसकी चेहरे पे जो चुटकी बजाती है और बोलती है क्या क्या देख रही है, चली गई वो और तू उसे इतना घूर क्यों रही थी। तो आरू बोलती मैं कहाँ घूर रही थी। तो बोलती हाँ देखा मैंने, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ, मैंने देखा तो किस तरह से घूर रही थी। तो बोलती यार कुछ नहीं यार। तो बोलते और तू उससे क्या बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी, कुछ नहीं, मैंने बस पूछा कि आपका नाम क्या है। तो बोलते हाँ तो तुझे क्या पड़ी है उसके नाम से, तुझे तेरा लॉकेट मिल गया यही तो काफ़ी है ना। तो बोलते अरे यार उसने मेरे लॉकेट मुझे वापस किया है, तो नाम जानने में क्या है, तू इतना क्यों कर पूछ रही है मुझसे। बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, चल मुझे भूख लगी कुछ खाते हैं। तो ये सब लोग वहाँ से जाते हैं और एक साइड आते हैं जहाँ पे वो लड़की जो अपने दोस्तों के साथ एक साइड जाती है, और वहाँ पे एक छोटा सा लड़की थी जिसका लगभग 14-15 साल हो गई। तो वो एकदम से बोलते अरे दीदी आप इतना लेट कैसे हो गए। तो बोलते अरे पिया आरती थी, करते करते लेट हो गई, क्या बात है, मम्मी पापा कहाँ है। बोलते उधर रही। तो ये लोग जाते हैं और उधर से बोलते हो गई आरती। तो बोलते हाँ डैड, हाँ पापा हो गई। तो बोलते हाँ तो हमें अब निकलना है दिल्ली के लिए, तुम्हारी शौक थी तुम लास्ट बार आरती ले सको। तो बोलते आरती तो ले ली, लेकिन मैंने ना मुझे मैं अभी आती हूँ, आप मुझे 2 मिनट दो। तो भाग के जाती है घाट की तरफ और अपनी मन में प्रणाम करती है उस साइड को देख के, और बोलती है गंगा मैया आपसे रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन एक नई शहर जा रही हूँ, एक नई दास्तां लिखने जा रही हूँ, आप मेरे साथ हमेशा रहना, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं सब कुछ ठीक ठाक कर सकूं। फिर मिलेंगे आपको, आपसे जब भी मुझे मौका मिलेगा यहाँ आने की तो मैं आ जाऊँगी। ये बोल के वो फिर से भाग के आते, बोलते चलो चलो हमें लेट हो रही है। ये बोल के वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जाते। उसके जो दोस्त है उस दोस्तों उससे हक करते और बोलते देख तू दिल्ली जाके मुझ हमें मत भूलना, वरना दिल्ली आके तुझे मारूंगी। तो बोलते हाँ हाँ नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अरे तुम लोग तो जान हो मेरे, नहीं भूलूंगी कभी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त उसके डैड उसे बोलते बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो बोलती नहीं पापा आप क्या कर सकते, आपका ट्रांसफ़र हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। कोई बात नहीं, मैं वहाँ के कॉलेज पे एडमिशन ले लूँगी, भले ही फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में मैं मुझे करनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, आप परेशान मत हो, आप अपना काम ठीक से करो, और रही बात छोटी की तो उसका भी एडमिशन करा देंगे, कोई बात नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ मेरी बेटी बहुत समझदार है ना, बड़ी हो गई है। बोलते मम्मी आप भी ना। तो बोलते हाँ वैसे तुम इतनी लेट कैसे हो गई। तो बोलते अरे मम्मी पता है क्या हुआ, वो जो मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ बात कर रही थी तो एक ने मुझे अचानक पुश कर दिया, मैं तो बस घाट में गिरने ही वाली थी कि एक लड़की ने मुझे बचा लिया, और बचाते वक्त ना उसके जो वो जो मुझे बचाते वक्त उसका जो लॉकेट है मेरे बाल पे फंस गए थे। तो फिर वो लोग बहुत ढूंढ रहे थे, मैंने देखा
तो मैंने सोचा यार जिसका अमानत है उसे दे दूँ, तो दे दिया, इसलिए थोड़ा लेट हो गई मम्मी। तो बोलते हाँ हाँ अच्छा किया तुमने। तो बोलते हाँ, तो ये लोग फिर चले जाता है। दूसरी तरफ आते हैं जो आरू और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग सारे, वो थोड़ी देर उधर उस प्लेस को इधर उधर जाके देखते हैं, घूमते हैं, और फिर ये लोग रात का डिनर करते हैं कि ढाबा होती है वहाँ पे जाके डिनर करते हैं। डिनर करके फिर वो लोग जो है बॉयज़ है जो, वो लोग तो सारे लोग तो बस में होते हैं, जो आरू और शनाया है जो वो जो है वो कार में आके बैठ जाते हैं, और वापस आने के लिए वो लोग ड्राइव करने लगते हैं। फिर ये लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती है, आ जाते हैं दिल्ली। जो आती है तो आरू सीधा अपने घर आती है, और शनाया को बोलते तू यहाँ पे रुक जा, पहले फ्रेश होते हैं हम, और फ्रेश होके हम पहले रेस्ट करते हैं, फिर तू अपने घर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तू रुक जा, आप इतनी सुबह सुबह घर जाने की ज़रूरत नहीं। बोलते यार मैं जा भी नहीं रही, चल। फिर ये लोग घर आते हैं, घर आके देखते हैं हॉल में इसकी दादी बैठी है, और वो बोलती दादी आप इतनी अर्ली मॉर्निंग? तो बोलते हाँ मुझे पता है कि तुम अर्ली ही पहुँचोगी। बोलते दादी आप भी ना, तभी जो है ऊपर से उसका डैड आता है। तो जब वो अपने डैड को देखती है तो वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है, तो उसको डैडी को थोड़ा सा बुरा लगता है और पूछती है तुम कैसी हो बेटा? तो जो शनाया है उसके हाथ पकड़ के थोड़ा टैप करते कि ठीक से बात कर प्लीज़। तो आरू एकदम सुनते हाँ ठीक हूँ। तो बोलते आप? तो बोलते हाँ मैं, मेरे जो दूसरे साइड के काम के लिए मैं बाहर गई थी तो आ गई, आ गया अब तो मैंने पूछा नहीं है। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है तुम्हारी? तो बोलते हाँ ठीक ही चल रहा है, अगर ना चलता तो भी क्या। तो उसकी दादी बोलते हैं आरवी? बोलते क्या है दादी, ठीक है ना? ठीक, हाँ ठीक चल रहा है सब कुछ, अब मैं जाऊँ अपने रूम में? तो उसका डैड बोलते हाँ हाँ जाओ तुम बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ और आओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बोलते क्यों साथ में क्यों करना, आप करो अपने मुझे। तभी जो उसकी दादी फिर से बोलती यार भी, तो कुछ नहीं बोलती और जाती है अपने रूम में, जाके अपनी मम्मी से बात करती, मम्मी की फ़ोटो की से बात करते हैं, फिर फ्रेश होती है, नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। शनाया भी थी वो भी ब्रेकफास्ट करते, उसके डैड तो बस उसे देख रही थी एक टक, क्योंकि उनकी जो बेटी है उनसे ठीक से बात नहीं की करती है जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी, और वो अपने डैड से गुस्सा है पिछले 10 साल से, क्योंकि वो अपने जॉब और अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी था कि जब उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हुई वो वहाँ से आ नहीं सके, और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो इस दुनिया से चली गई, और उस कई कारण की वजह से वो अपने डैड को पसंद नहीं करते तब से। तो उसका डैड भी ये समझती है और अपनी बेटी की सिचुएशन समझकर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जो आरू अपने रूम पे चले जाते हैं, और शनाया जो है और वो जो उसका डैड है वो शनाया से बात करती है कि तुम लोग इंजॉय की क्या किए, तो सब लोग बताती है। फिर जाती है अपने रूम पे और आरू के रूम पे और उसके साथ सो जाती है। आरू थोड़ी तो अपसेट थी, लेकिन शनाया समझाती है उसको कि यार कोई बात नहीं, जो भी है तेरा डैड है ना, अगर तेरी मॉम आज होती तो अगर तू इस तरह से उनसे बात करती तो क्या वो तुझे नहीं रोकती? तो आंटी के बारे में सोच के भूल जाना। फिर
और कुछ नहीं बोलती, सो जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या आरवी और ईशा का फिर से मुलाकात होगी, क्या तकदीर उनको मिलाएंगे फिर से, देखते हैं आगे के कुछ एपिसोड में। और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर देना, चाहो अभी तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को जिनको ये स्टोरीज पसंद आते हैं उनको, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना, और ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।